नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संविधान में वे प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि हमारे संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। हर परीक्षा में जिसमें पॉलिटी आती है उसमें इस प्रकार के एक या दो प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। तो चलिए, और इन प्रश्नों को याद करने में बहुत समस्या होती है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन चीज़ कहाँ से ली गई है। तो इसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। तो इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक मीटिंग हो रही थी जहाँ हर देश के सदस्य बैठे हुए थे। तो वहाँ पर ब्रिटेन ने कहा, पूरे विश्व पर मेरा शासन है, इसलिए संसद का निर्माण हम करेंगे। ये बात किसने कही? ब्रिटेन ने। पूरे विश्व पर मेरा शासन है, इसलिए संसद का निर्माण हम करेंगे। ये लाइन आप याद रखना। और इसमें आप लोग देख रहे होंगे मैंने तीन चीज़ों पर गोला किया हुआ है, मतलब ब्रिटेन से तीन चीज़ें ली गई हैं। और वो क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, संसद से आपका हो जाएगा संसदीय प्रणाली। जो हमारे देश की संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। अब चलते हैं अगले शब्द निर्माण की तरफ, और निर्माण से आपका हो जाएगा विधि निर्माण। अब एक शब्द इसमें और आता है अकेले। तो अकेले से क्या लिया गया है? तो अकेले से आपका जो शब्द निकलता है वह हो जाएगा एकल नागरिकता। ये तीन चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, पूरे विश्व पर मेरा शासन है, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। संसद, संसदीय प्रणाली, निर्माण, विधि निर्माण, अकेले, एकल नागरिकता, तीनों चीज़ें अपने आप आ जाएंगी अगर ये लाइन आपको याद होगी। कुछ रटना नहीं पड़ेगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो अब उसी मीटिंग में अमेरिका भी बैठा हुआ था। तो अमेरिका ने कहा, मेरे पास यूएन है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो इसमें दो पॉइंट निकल कर आते हैं, एक आपका न्याय और एक अधिकार। तो देखते हैं इनसे क्या बनता है। तो इसमें न्याय से आपका हो जाएगा स्वतंत्र न्याय प्रणाली। आप देखते हैं अधिकार, और अधिकार से आपके हो जाएंगे मूल अधिकार। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? स्वतंत्र न्याय प्रणाली और मूल अधिकार। मूल अधिकार परीक्षाओं में अधिकतर पूछते रहते हैं, तो आप लोग ये लाइन याद रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका से एक दो चीज़ें और ली गई हैं, वो भी मैं आपको इसी में साथ साथ लिखाई देता हूँ। तो इससे आपकी दो चीज़ें और ली गई हैं, एक है वित्तीय आपातकाल और दूसरा है महाभियोग। देखिए, महाभियोग परीक्षा में अक्सर पूछते हैं। तो ये महाभियोग लगता किस किस पे है? राष्ट्रपति पर, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश होता है भारत का, उस पर, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर। इस पे, इन लोगों पे महाभियोग का और वित्तीय आपातकाल और स्वतंत्र न्याय प्रणाली और मूल अधिकार, ये चार चीज़ें आपकी ली गई हैं अमेरिका से। अब देखते हैं और अन्य देशों को, अब देखते हैं अन्य देशों से ली गई चीज़ों के बारे में। इसमें आपकी आ जाती है जर्मनी, अफ्रीका और रूस। इन देशों से एक एक चीज़ ली गई है, इसलिए मैं आपको इसमें ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, एक एक करके बताता चलूँगा। सबसे पहले चलते हैं जर्मनी में। तो जर्मनी में देखते हैं, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। इमरजेंसी जो है आपकी वो जर्मनी से ली गई है। अब पढ़ते हैं अफ्रीका की तरफ। तो अफ्रीका से हमारा लिया गया है संविधान संशोधन। देखिए, संविधान संशोधन जो है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविधान संशोधन से अन्य प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में निकलते हैं। कभी पूछ लेता है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ना पता हो तो आप लोग लिख लीजिए कॉपी में साथ साथ। यह आपका आता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत।
अगर पूछ लेता है कि संविधान संशोधन जो है आपका वो किस भाग से लिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा भाग 20। अब देखते हैं रूस से क्या लिया गया है। तो रूस से जो लिया गया है आपका मूल कर्तव्य। अब देखते हैं अगली एक बहुत ही मजेदार ट्रिक। तो उसी मीटिंग में आयरलैंड भी बैठा हुआ था, तो आयरलैंड ने कहा कि मुझे तुम्हारी नीतियां समझ में नहीं आती हैं, अब मैं अपने मन की करूंगा। वहां पर जो अन्य देश अपनी अपनी बातें कर रहे थे, तो आयरलैंड को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने कहा मुझे तुम्हारी नीतियां समझ में नहीं आती हैं, अब मैं अपने मन की करूंगा। तो इससे आपकी दो चीजें निकल कर आ रही हैं, पहला शब्द आपका बनेगा नीतियों से और दूसरा बनेगा मन से। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो नीतियों से आपका हो जाएगा नीति निदेशक तत्व, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, आपके ये लिए गए हैं आयरलैंड से। और मन से हो जाएगा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो सांसद मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। तो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा समवर्ती सूची का प्रावधान, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला आपका हो जाएगा प्रस्तावना की भाषा, और एक पॉइंट इसमें और रह जाता है, तो वो आपका हो जाएगा केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का आवंटन। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो होती हैं उनके बीच में किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा होगा, किसके पास कौन सा हक रहेगा, ये भी आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, ट्रिक्स भी बताई हैं, जो एक दो थी वो हमने आपको डायरेक्ट बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने साथ ही साथ लिखा होगा, समझा होगा इसे। ना लिखा हो तो वीडियो को डाउनलोड कर लेना, दोबारा से लिख लेना, एक बार और सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब आप लोगों को करना क्या है, मैंने अपना काम कर दिया, वीडियो आप लोगों को देखे, आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह आपको वीडियो को फैलाना है। और 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोग 100 से भी ऊपर लेकर जाएंगे, हर जगह शेयर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट करना, अगली वीडियो में वो चीज़ मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। थैंक यू।